और गोवंश को उत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक जिले में एक या दो चिकित्सा वाहनों से योजना शुरू होगी। चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत योजना का विस्तार किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए शासकीय अस्पतालों के साथ साथ मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का भी संचालन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस योजना को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि गायों की सेवा के लिए भूपेश बघेल गोठान नहीं बना रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार का एक और नया रास्ता खोल रहे हैं। इधर संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी जवाब दिया और कहा कि मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना सराहनीय है। अगर गायों को भी आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और गाय जो है वो भूपेश बघेल सेवा के लिए गौठान नहीं बना रहे हैं, गौ चिकित्सा सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, एक भ्रष्टाचार का नया रास्ता और खोल रहे हैं। जरा बताएं ना, कौन से गौठान में गाय हैं, कौन से गौठान में जो वो इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, कहाँ पर बना है। गोधन न्याय योजना शुरू करके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस देश में सबसे बड़ी गोरक्षक पार्टी कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है, और सबसे बड़ा गोभक्त नेता कोई है तो वह है श्री भूपेश बघेल। और अब मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करके श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया, यह साबित कर दिया कि इस प्रदेश में, उनके राज में कोई भी गोवंश चिकित्सा से वंचित नहीं रहेगा, चाहे वो घायल अवस्था में रहे, चाहे बीमार अवस्था में रहेगा, मोबाइल में चिकित्सक जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार का यह प्रयास सराहनीय है।